नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार, आपके परिवार का स्वास्थ्य काफी अच्छा होगा। ऐसे में आज हम आपके लिए एक अनोखी वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आज का खान पान अगर देखा जाए तो लोग अधिकतर मैदा से बनी चीजें खाना साफ तौर पर भले ही भूल जाए लेकिन स्वादिष्ट उनको इतनी लगती हैं कि वो चाह कर भी उन्हें भुला नहीं। इसके सेवन से सेहत को बहुत तरह से नुकसान झेलना पड़ता है। आजकल मैदा से बनी चीजों का बहुत ज्यादा चलन हो गया है, जिसके चलते ना सिर्फ लोगों का मोटापा बढ़ रहा है बल्कि इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों का सामना भी अधिकतर लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं देखा जाए तो बच्चे मैदा का सेवन सबसे ज्यादा करने लगे हैं, क्योंकि बच्चों का बर्गर, पिज्जा, मोमोज इत्यादि चीजों को सेवन का शौक हर दिन बढ़ता जा रहा है, जो पूरी तरह से मैदा से बनी होती है, जिससे बच्चों में बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता दिख रहा है। इतना ही नहीं, मैदे के सेवन से पाचन तंत्र में भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मैदा इतना ज्यादा चिकना होता है कि आंतों में जाकर चिपक जाता है। इससे कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, मैदे से होने वाले नुकसान कई हैं। मैदा एक प्रकार का अनाज होता है लेकिन फिर भी इसमें कई पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, जैसे कि फाइबर, विटामिन, मिनरल्स। मैदा और उससे बनी चीजों का अधिक सेवन करने से हमारी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। एक महीने तक अगर आप मैदा और मैदे से बनी चीजें यानी कि मोमोज, समोसे, भटूरे इत्यादि को ना खाएं तो हमारे शरीर में एक अच्छा परिवर्तन आ सकता है। जी हाँ, जिससे हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ऐसे में जानते हैं कि मैदा और मैदे से बनी चीजों का सेवन एक महीने तक अगर ना किया जाए तो शरीर में किस तरह का बदलाव हो सकता है। जी हाँ, मैदा से भरपूर डाइट का सेवन करने से शरीर को कुछ महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते, जैसे कि फाइबर और पौष्टिक ग्रेन्स। मैदा के बिना आपकी डाइट में पोषण स्तर में सुधार हो सकता है, जिससे आपके शरीर को अधिक पौष्टिकता मिल सकती है। मैदा से बनी चीजों में अधिक कैलोरी होती हैं, जिसके सेवन से वजन बढ़ता है। मैदा के सेवन का कम करके आप वजन कंट्रोल कर सकते हैं पहली बार, और स्वस्थ रहने के लिए वजन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैदा से भरपूर डाइट के सेवन से आपको बता दें कि डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये पौष्टिक फाइबर की कमी के कारण आपके पाचन में बाधा डाल देता है। मैदे की जगह अगर आप साबुत अनाज और पौष्टिक चीजों का सेवन करके अपने पाचन सिस्टम को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाते हैं तो मैदा से बनी चीजों से अधिक आपको ट्रांस फैट हो सकता है, जो दिल के स्वास्थ्य में नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। मैदा के सेवन को कम करके आप अपने दिल की सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं। इधर ब्लड शुगर लेवल को ये बढ़ा देता है। मैदा की जगह आप अनाज, फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर डाइट का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। यानी कि मैदा अगर आप ना खाएं, नो मैदा चैलेंज अगर आप लेते हैं तो आप अपने शरीर में ये फील करेंगे, आपकी बॉडी तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने में सक्षम होती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्ट्रांग रहता है। लेकिन आजकल के टाइम में अपना वक्त बचाने के लिए लोग मैदा से बनी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पास्ता हो, पिज्जा हो, बर्गर हो या फिर मोमोज हो। मोमोज आज के टाइम में ऐसा चलन चल गया है कि लोग शाम होते ही मोमोज को याद करते हैं, ऑफिस से लौटते ही मोमोज, या फिर बच्चों के लिए मोमोज इतने नॉर्मल हो गए हैं कि वो एक दो प्लेट आसानी से खा जाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह मैदा से बनी चीजें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक बुरा प्रभाव डालती हैं, जिससे आपका वजन बढ़ता है, कई बीमारियां आपके शरीर में घर कर लेती हैं, जो कि आपकी लाइफस्टाइल के लिए साफ तौर पर एक जिम्मेदारी होती है, जहां गलत लाइफस्टाइल आप अपना लेते हैं और आपको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।